हेलो मेरे भविष्य के VLDA डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VLDA कैंपस पर। और बच्चों, आज मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में डेली सिलेक्शन सीरीज जो कि 8 PM पे होती हैं। 50 क्वेश्चंस इसमें होंगे और आपके VLDA एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। तो बच्चों, इस क्लास को सभी अटेंड जरूर किया करो। और बच्चों, जब तक क्लास स्टार्ट हो रही है, क्वेश्चन स्टार्ट करें, तब तक फटाफट से शेयर कर दो यार वीडियो को, ठीक है? आप लोग जो हमें प्यार देते हो, इतना सहयोग देते हो, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। उम्मीद है आप लोगों का जो सहयोग है वो हमारे लिए ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आपको हमारी जो 8 PM की वीडियो होती हैं, 8 PM की क्लास होती हैं या 2 PM की क्लास होती हैं, उनके नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके बीच में, ध्यान से पढ़िएगा। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉन्स्टेंट, इट्स मोशन इज सेड टू बी। इसने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी जो चाल है एक स्ट्रेट लाइन के, एक सीधी रेखा के साथ साथ, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, यानी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में स्थिर चाल के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो उस गति को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म, बी पीरियोडिक, सी सर्कुलर, डी नॉन यूनिफॉर्म। तो फटाफट से लाइव चैट में राइट आंसर दे दो। और कुछ मेरे साथी कहते हैं सर हिंदी में करवाओ, तो बच्चों मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि मैं दोनों लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर दूँ, बट थोड़ा सा कोऑपरेट आप लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंस के बाद जो आपका डिप्लोमा होगा वो सारा इंग्लिश मीडियम है, उसमें हिंदी मीडियम का ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों, मिक्स जरूर चला करो, मिक्स लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों, सभी बच्चे आंसर जरूर दिया करो। तो मेरे साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है भाई? मान लो कि आपने 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की, फिर दूसरे घंटे में वही दूरी आपने फिर से तय की, यानी 1 किलोमीटर की, तीसरे घंटे में भी आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी हर एक टाइम इंटरवल में बराबर दूरी आप लोग तय कर रहे हो, बराबर का ही आप समय ले रहे हो, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक ही स्पीड से चल रही है गाड़ी। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्राउन इन टू वायर्स इज कॉल्ड, कि मेटल्स की वो प्रॉपर्टी कौन सी है जिसके अंतर्गत उससे तारे खींची जा सकती हैं। तो फटाफट से बता दो भाई। और बच्चों, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है नेक्स्ट मंथ में 15 तारीख से पहले पहले आ जाएगी, 100% तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगी, ठीक है, तो घबराइए नहीं, बस अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोगों को ये सोचकर तैयारी कीजिए कि यार थोड़ा टाइम और मिल गया तैयारी करने का, हम बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। तो बच्चों, तैयारी के लिए जी जान लगा दो यार, इस बार एडमिशन हो गया तो हो गया, नहीं तो ऑल स्ट्रीम के लिए फिर सपना देखना भाई, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जो क्वालिफिकेशन होगी +2 मेडिकल होगी। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए मेलिएबिलिटी। उसको क्या कहते हैं? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलिएबिलिटी, यानी कि मेटल जैसे हो गई गोल्ड, तो गोल्ड को पीट पीट कर पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। और जो वायर्स की फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो बच्चों इसके बाद इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी डक्टिलिटी।
क्योंकि डक्टिलिटी मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत उससे क्या है, वायर्स खींचे जा सकते हैं, तार खींचे जा सकते हैं। अब आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा है? तो बच्चों गोल्ड और सिल्वर दोनों ही क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, डक्टाइल भी हैं और मेलिएबल भी हैं। दोनों को चादरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट बेस्ट वन इज़ गोल्ड। बेस्ट वन कौन सा रहेगा? गोल्ड रहेगा। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ऑब्जेक्ट्स अपीयर एनलार्ज एंड इनवर्टेड इन ए रियर व्यू मिरर देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड। ये कहते हैं भाई जब किसी भी रियर मिरर में, यानी जिसमें हम पीछे की चीजें देख रहे हैं, उस मिरर में जब इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो हमें बड़ा दिखाई दे, क्या दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे और इन्वर्टेड यानी उल्टा दिखाई दे, तो वो मिरर कौन सा होगा? फटाफट से आंसर दे दो, कल ही बताया था हिंट दे के बच्चों, फटाफट से राइट आंसर दे दो भाई। गजब गजब के क्वेश्चंस हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, अगर इनको आपने समझ लिया तो दिक्कत नहीं आएगी। तो कल मैंने एक चम्मच का एग्जाम्पल दिया, चम्मच को लेके आओ भाई, वो आप लोगों को सारी बात बताएगी। तो सोचो फटाफट से क्या आंसर रहने वाला है, फटाफट से देखिए बच्चों इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था कि जब चम्मच है, चम्मच का जो हिस्सा करव की शेप में होता है, अंदर का जो हिस्सा होता है, उसमें जब हम देखते हैं तो हमारा फेस छुटकू सा दिखता है, छोटा सा दिखता है, ठीक है? तो वो छुटकू सा फेस दिखता है ना, तो उस टाइम वो मिरर होता है कन्वेक्स, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप उस चमची को बदलोगे, चम्मच की साइड बदलोगे, ठीक है, उभरी हुई साइड की तरफ आप देखोगे, तो वहाँ आपका जो फेस दिखेगा वो गोलू गोलू दिखेगा, यानी मोटा मोटा दिखेगा, ठीक है? तो उस टाइम जो मिरर होगा वो होगा कनकेव। तो अब मेरी बात समझ आ गई भाई, सबसे पहले आइडिया दिया है मैंने, याद रखने का तरीका आपको बताया है। तो जो छोटा इमेज दिखाएगा वो कन्वेक्स होगा, जो बड़ी इमेज दिखाएगा वो कौन सा होगा, कनकेव होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कनकेव। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, कन्वेक्स मिरर को किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, कन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को किस में प्रयोग किया जाता है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस थोड़ी सी जरूरत है इनके ऑप्शंस को सोचने की, थिंक ओवर करने की, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव चैट में आंसर जरूर देना, क्योंकि जब आप आंसर दोगे तो उस टाइम आप लोगों की जो लर्निंग पावर है वो अच्छी होगी। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं यार हम जवाब नहीं देते ना, तो उस टाइम हम एक्टिव नहीं होते और वो बातें हमारे माइंड में घुस नहीं पाती, जैसे ही वीडियो एंड होगी ना वो चीज़ें दिमाग से बाहर चली जाती हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, पहले पेन से लिखते थे, अब भाई लाइव चैट का ऑप्शन है उससे लिख दो, और जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना उनको नोट डाउन कर लिया करो ताकि रिविजन हो जाए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, रियर व्यू मिरर, यानी पीछे की जो चीजें हैं वो देखने के लिए गाड़ियों में यूज किया जाता है इसका, ठीक है? तो वो होता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों? अब आइए नेक्स्ट पे भाई, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वर्क डन व्हेन ए चार्ज ऑफ 10 कूलम मूव्स अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट, कि आपको कार्य निकालना है कि एक 10 कूलम का जो आवेश है उसको 2 वोल्ट के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, विद्युत विभव है, उससे गुजारने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? बता दो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। बड़े अच्छे बच्चे हैं तो मेरे डॉक्टर साथियों एक्टिव हो जाओ थोड़े से, ठीक है? प्रैक्टिस सेट हर रोज 2 प्रैक्टिस सेट लगाया करो, आपको मैंने प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारे प्रोवाइड कर रखे हैं और आगे भी भविष्य में भी करता रहूँगा। तो आदत बना लो 2 प्रैक्टिस सेट रोज लगाने की, और हर एक चैप्टर की
एक एक क्लास डेली देखने की, चाहे आपने वो चीजें कर ली हो फिर भी एक बार जरूर देखो बच्चों, ठीक है ना। कनेक्टिविटी बनी रहेगी और मैथ्स को कमजोर मत होने देना, मैथ्स ही आपका एडमिशन करवाएगा, याद रखना मेरी इस बात को, पल्ले से बांध लेना, ठीक है। ये नहीं है कि माँ के पल्ले से बांध दिया, ऐसा नहीं करना, खुद की पॉकेट में डाल लो इस बात को भाई, पेपर अगर एडमिशन लेना है तो मैथ करना पड़ेगा, डर के नहीं भागना। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा, वर्क डन की बात कर रहा है ये, तो वर्क डन क्या होता है, वी इंटू में क्यू होगा, वी कितना है बच्चों 2 है, क्यू कितना है बच्चों 10 है, तो आंसर कितना आएगा 20 जूल, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो साथियों। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस देते जाओ आंसर आप लोग। बड़े अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी स्कोर अच्छे जो बच्चे हैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं भाई, कुछ बच्चे 45-46 कर रहे हैं स्कोर, ठीक है। तो बच्चों धीरे धीरे आप लोगों की इम्प्रूवमेंट होगी और एक दिन आपका स्कोर 50 आउट ऑफ 50 होगा, बस जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ, एक टेस्ट को कम से कम 2 बार जरूर देखो, ठीक है ना। तभी मैं आपको कह रहा हूँ रूटीन में 2 टेस्ट 2 प्रैक्टिस सेट जरूर देखो बच्चों, ठीक है, इससे आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, वकायदा होगी, ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आएगा, और कॉन्फिडेंस है ना बच्चों वही एग्जाम क्लियर करवाता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस विद नॉलेज। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए जूल, जो हीट एनर्जी है या एनर्जी है उसकी जो एसआई यूनिट है वो रहेगी जूल, कार्य की एसआई इकाई क्या रहेगी, जूल। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, कि जो प्रकाश है प्रकाश की चाल ज्यादा किस में होती है भाई, वैक्यूम में, सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, तो फटाफट से बता दो भाई आंसर। वैक्यूम को हिंदी में कहते हैं भाई निर्वात, सॉलिड हो गए ठोस, लिक्विड हो गए द्रव, गैस आपको पता ही है, फटाफट से आंसर दे दो जी बच्चों, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, देते जाओ बस ऐसे ही आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए वैक्यूम में, और वैक्यूम में कौन ट्रेवल नहीं कर सकता, तो साउंड वैक्यूम में कभी भी ट्रेवल नहीं करेगी, क्योंकि साउंड को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ठीक है, एयर चाहिए, बट जो वैक्यूम है वैक्यूम में एयर नहीं होती, जीरो होती है बच्चों एयर, ठीक है, समझ गए मेरी बात। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द फ्लूइड, कि जो बायोंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उसके लिए बायोंट फोर्स का पता आप लोगों को होना चाहिए अगर इसका आंसर देना है तो, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो भी, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते चाहिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी डेंसिटी पे, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसने कहा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, तो जितना ज़्यादा मास होगा ठीक है उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी बायोंट फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। बायोंट फोर्स क्या होती है बच्चों, कि मान लो एक बॉल है, बॉल को आपने एक पानी की जो बाल्टी उसमें डाला तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, जैसे ही आप उसको प्रेस करोगे यानी उस बॉल को दबाओगे तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी ना, आप तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, और उस बॉल को जो ऊपर की तरफ जो फोर्स धक्का मारेगी ना उसको बायोंट फोर्स कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड, कि एक कनकेव मिरर के द्वारा स्क्रीन पे जो इमेज मिलेगी उसको क्या कहेंगे, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, बड़े अच्छे बच्चे हैं,
जिन्होंने थ्योरेटिकल क्लास देखी है, मैंने लाइट की अभी तक एक ही क्लास आपको प्रोवाइड की है और उसी क्लास से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो उस क्लास को जिन बच्चों ने नहीं देखा है देख लेना भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को दुविधा ना हो। तो बच्चों फटाफट से इसका लाइव चैट में आंसर दे दो भाई, गजब की क्लास है। और दोस्तों अपने बच्चों के साथ, सॉरी अपने साथियों के साथ, अपने परिजनों के साथ, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि इस क्लास का वो भी फायदा उठा सके, क्योंकि ये तो फ्री का ज्ञान है, जितने बच्चे लेंगे भला होगा भाई, ठीक है, ये काम जरूर कर देना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, मैंने आपको ये बता रखा है, एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल बनेगी। कौन सी बनेगी? रियल बनेगी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज, कि एक संघन माध्यम में प्रकाश की किरणों का मुड़ना क्या कहलाता है? फटाफट से बता दो, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, ठीक है, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन एंड डिफ्लेक्शन। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। हाँ जी बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, घबराना नहीं है, सोचना है उस कंसेप्ट को, कंसेप्ट के ऊपर काम करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल अच्छे से अगर इस बात को आप देखोगे, डेंसर मीडियम का मतलब है जैसे वाटर हो गया, ठीक है, रेयरर मीडियम कौन सा होता है? विरल माध्यम होता है, जैसे एयर हो गई, ठीक है। तो डेंसर यानी वाटर में से जब लाइट पास होगी, तो मैंने आपको थोड़ी सी बात बतानी है इसके बारे में, चैप्टर करवाएंगे तब भी बताऊंगा। मान लो ये आपका मीडियम है, ये आपका ऊपर का मीडियम है, ये रेयरर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। तो इस मीडियम से जैसे ही लाइट इसमें आएगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी लाइट मुड़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही इस डेंसर मीडियम से लाइट बाहर जाएगी, तो इस मीडियम से नॉर्मल से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी दूर मुड़ जाएगी, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो इसने कहा बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में जो लाइट बेंड होगी वो किसके कारण होगी? रिफ्रैक्शन के कारण होगी। और इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें लाइट आर पार हो जाती है, वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। और जैसे दीवार से टकरा के लाइट वापस गई, वो रिफ्लेक्शन कहलाएगी। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेज, प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है बच्चों वो क्या है? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। सभी बच्चे आंसर जरूर दिया करो, काफी सारे बच्चे हैं स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो अब तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों वैसे ऐसे ही जवाब देते रहो भाई, ठीक है, फ़ायदा आप लोगों को ऑफ कोर्स होगा। और जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई आप लोगों को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, कोई बेनिफिट हमारे साथ जुड़ने से हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों में कितनी इम्प्रूवमेंट है बच्चों, एक बार लाइव चैट में लिख दो भाई, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की एसआई इकाई, वो रहेगी ओहम। ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो क्या रहेगी? फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बस जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी हर्ट्स। क्या रहेगा? ऑप्शन डी हर्ट्स। तो बच्चों इसमें जो न्यूटन है, न्यूटन जो एसआई यूनिट है वो तो है फोर्स की, वोट एसआई यूनिट है बच्चों पावर की, फेराड यूनिट है वो है कैपेसिटेंस की, और हर्ट्स यूनिट किसकी हो गई? आपकी फ्रीक्वेंसी की, एच जेड से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड वेव इज 0.01 सेकेंड, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। किसने कहा किसी साउंड वेव का जो टाइम पीरियड है वो 0.01 सेकेंड है, तो आप ये बताइए भाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फटाफट से बता दो,
नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है, तो जिन्होंने नाइन्थ क्लास पढ़ी है वो आंसर दे देंगे भाई, ठीक है। फटाफट से आंसर दे दो, इस क्वेश्चन से आर्ट्स कॉमर्स वालों का लेना देना नहीं है, ठीक है, इससे तो नाइन्थ वालों का लेना देना है। फटाफट से बता दो भाई राइट आंसर। तो बच्चों इसमें आप लोगों को एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि जो टाइम पीरियड है वो बराबर होगा 1/f के, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी को इधर ले जाओ, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t, बस 1/t रखो और सोल्व करो भाई। तो 1/t की अगर हम बात करते हैं तो 1/ कितना है, 0.01 सेकेंड, डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगेगी, तो कितना आएगी फ्रीक्वेंसी, 100 हर्ट्ज़ आएगी, ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट, कि ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदलने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, बता दो फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं और गजब के बच्चे हैं, दे दो भाई आंसर, शाबाश, वेरी गुड साथियों, ऐसे ही जवाब देते रहो भाई, ठीक है। आप लोगों का जो एडमिशन है वो ज़रूर होगा, और मैं बारी बारी आपको कह रहा हूँ भाई, कोई एक सब्जेक्ट आपका एडमिशन नहीं करवाएगा, टोटली सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी जाके आपका एडमिशन होगा। बायो के 40 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भी आपके 40 के 40 ठीक हो जाए, तो इसीलिए कह रहा हूँ भी सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सब्लिमेशन, क्या रहेगा, सब्लिमेशन। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एंगल बिटवीन द डैश एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, फटाफट से आंसर दे दो भाई। अगर कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन ना करूं तो बुरा मत मानना यार, क्योंकि क्लास का टाइम ज़्यादा हो चुका है पहले ही, कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा फास्टली चलो, तो बच्चों बुरा मत मानना, ठीक है, किसी न किसी क्लास में एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, तो इंसिडेंस जो एंगल बनता है ये हो गया भी कोई मिरर, ठीक है, लाइट आई इंसिडेंट हुई, ठीक है, और इसके बाद या तो ये रिफ्लेक्ट होगी या ये रिफ्रैक्ट होगी, मान लो रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसने कहा भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ बनेगा, और उसके साथ कौन होगा, ये क्या है, नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग एंगल भी किसके साथ बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे के साथ और नॉर्मल के साथ बनेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो जवाब भाई, शाबाश, वेल डन बच्चों, वेल डन, ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, वेरी गुड। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की क्लास देखी है वो बच्चा इसका आंसर दे सकता है, कैसे भाई, ध्यान से देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो सबसे पहली बात हमने वहाँ सीखी थी, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वुमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज, कि जो फीमेल्स हैं उनकी वॉइस पतली होती हैं, तेज होती हैं, ऐसा क्यों है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। आसान से क्वेश्चन से आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस की यूनिट क्या रहेगी, किस में इसको मापते हैं, फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश,
शाबाश बच्चों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश 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 बच्चों, ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा कि जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो रहेगी हेनरी। क्या रहेगी? हेनरी। ठीक है, उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इनेबल्स प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक फॉयल्स, कि जो धातु की जो फॉयल्स बनी हुई होती हैं जिनमें आप बर्गर वगैरह वगैरह लपेटते हो, विवाह शादियों में रोटियां लपेटी जाती हैं, ठीक है, जो मेटालिक फॉयल्स होती हैं वो किस प्रॉपर्टी के कारण बनती हैं बच्चों, बता दो फटाफट से। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, और ये क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट्स में भी रिपीट हो चुका है, बस अलग अलग फॉर्म में। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, दे दो भाई आंसर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मेलिएबिलिटी। क्योंकि जो धातुएं होती है, मेटल्स होती हैं, उनका एक गुण होता है, उनको पीट कर चादरों में बदल सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं चादरों को जब पतली पतली बनाया जाता है बिल्कुल पन्नी के रूप में, तो उनको फॉइल्स बोल देते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। जैसे विवाह शादी में जो फॉइल यूज की जाती है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इन फोर्स इक्वेशन F इज इक्वल टू, कि फोर्स की जो समीकरण होती है, बल की जो समीकरण होती है, उसमें F किसके बराबर होता है, फटाफट से आंसर दे दो भाई। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, देते जाओ आंसर भाई। एडमिशन तो आपका प्रैक्टिस सेट करोगे, अच्छे से मैथ्स अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि टोटली साइंस साइंस पे ध्यान दे तो काम बन जाएगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ध्यान दें तो बन जाएगा। बच्चों टोटली सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, किसी एक सब्जेक्ट से बेड़ा पार नहीं होना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, MA बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, कि किसी बॉडी के मास की प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ करेंगे तो उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, फटाफट से बता दो भाई। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट्स इक्वल द डैश एक्टिंग ऑन इट, फटाफट से आंसर दे दो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जवाब दे दो भाई फटाफट से। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, फोर्स बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे इसको? फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसमें लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती है, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बेटर हो जाएगी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने की। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डेंसर टू रेयरर मीडियम, कि जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, इट अकर्स विद नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, और लाइट की इंटेंसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। When light pass from one medium to another, कि जब light एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो this phenomena of change in its direction is called, कि इस phenomena को क्या कहेंगे, इसकी direction में जो change होता है इस phenomena को हम क्या कहेंगे, फटाफट से आंसर दे दो भाई। Very good बच्चों, very good। तो बच्चों ये चीज़ तो मैंने आपको बताई भी है, जैसे ये कोई mirror हो गया या कोई lens हो गया, lens पे जब light आएगी इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो ये दूसरे माध्यम में जाएगी, दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसको, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, यानी आएगी टकराएगी, अगर उसी मीडियम में वापस चली जाए तो ये रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन, ठीक है, और रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्शन में रे दूसरे मीडियम में जाएगी, समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, के इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक हीटर को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है, किस पदार्थ से बने हुए होते हैं, फटाफट से आंसर दे दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाओ यार। जी बच्चों, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निक्रोम। क्या होगा?
ऑप्शन बी निक्रोम, और जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना हुआ होता है, याद रखना। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग लेंसेज, कि इनमें से किसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड। 50 क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास में, 25 कंप्लीट हो गए, 25 और रह गए हैं, तो इस वीडियो में धैर्य बना के लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बच्चों लेंस बनाने में प्लास्टिक का यूज भी होता है, ग्लास का भी होता है, वाटर का भी होता है, बट सोयल का नहीं होता। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, गजब का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कहता है इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर कैन बी, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, उसमें क्या होगा, फटाफट से आंसर दे दो बिलाई चैट में। गजब का क्वेश्चन है बच्चों, जिन्होंने केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन वाला चैप्टर की थ्योरी देखी है वो इसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा, इसने कहा टू और मोर देन टू रिएक्टेंट होंगे, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट होंगे, ओनली वन प्रोडक्ट होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो इकट्ठा होके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड सही रहेगा, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27, द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, कि जिस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम हो, ईजिली आग पकड़ ले, ठीक है, ईजली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कोल्ड, उन सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, यानी जिनका इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे आग जलना स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आंसर दे दो ये फटाफट से लाइव चैट में। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों ऐसे जो सब्सटेंस होंगे उनको हम कहेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिमूव द ग्रीन कलर फ्रॉम ग्लास, ग्लास से ग्रीन कलर को रिमूव करने के लिए किस सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ बच्चों। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई ऑक्साइड। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे, रस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन एंड, जो जंग है बच्चों वो किससे बनता है, आयरन के साथ क्या होता है ऐसा जिससे लोहे को जंग लग जाता है भाई, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, गजब के बच्चे हैं। तो मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, राहें कठिन हैं, चलना पड़ेगा उन पे, मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लोहे को जंग लगता है जब थोड़ी सी नमी के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, विच बेस इज प्रेजेंट इन लाइम वाटर, लाइम वाटर में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ मेरे साथियों। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, ठीक है। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 पे, ड्यूरिंग विच चेंज इन एनर्जी इज एनर्जी एब्जॉर्ब, किस चेंज के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है बच्चों, अवशोषित होती है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, गजब के बच्चे हैं, बस ऐसे ही आंसर देते जाओ। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, एंडोथर्मिक, क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट कॉजिंग हेल्थ हैजार्ड, कि स्वास्थ्य के जो लिए हानिकारक हैं सीरियस एयर पोल्यूटेंट वो कौन सा है,
फटाफट से बता दो भाई, आसान आसान से क्वेश्चन से जवाब तो सारे आते हैं बच्चों आपको, आप जवाब दे दो बस उस चीज का, रिप्लाई दे दो, हिचकना नहीं है, आंसर देना है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सल्फर डाई ऑक्साइड हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बड़ी खतरनाक है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो ऐसे वाले जो कॉलम्स हैं बच्चों, कैसे वाले, ऐसे वाले जो कॉलम्स हैं उनको क्या कहेंगे, फटाफट से बता दो, ग्रुप कहेंगे या पीरियड कहेंगे, हिंट मैंने दे दिया है, फटाफट से आंसर दे दो। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, ग्रुप कहेंगे, ऐसे वाले जो होंगे वर्टिकल कॉलम ग्रुप कहेंगे, ऐसे वालों को हम कहेंगे पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। व्हाट इज ए नॉर्मल पीएच लेवल इन ब्लड, ब्लड की जो नॉर्मल पीएच लेवल है वो कितनी होती है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, गजब के बच्चे, लिख दो भी आंसर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, 7.35 to 7.45, और ये ना मिले तो आपको 7.4 मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे। विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस प्रेजेंट होता है, यानी उसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है वो बता दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, जवाब देते जाए करो यार, जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल जरूर मिलता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला रहेगा MgOH2। इनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंटा एसिड जो टेबलेट्स होती हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 36। विच मॉलिक्यूल इज यूज अप इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कौन से मॉलिक्यूल्स का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बच्चों, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वॉटर। आप कहोगे सर यूज तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, तो वाटर का यूज कैसे होता है बच्चों, कि फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, सप्लिट होना सनलाइट की प्रेजेंस में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले यूज होता है भी फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम निकल मैग्नीज, कि भाई किसका निर्माण आयरन में कार्बन मेटल, ठीक है, क्रोमियम निकल और मैग्नीज को मिक्स करके किया जाता है, फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, बस आप जवाब जरूर देते जाओ, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टेनलेस स्टील, क्या रहेगा, स्टेनलेस स्टील। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस शोरिंग ऑफ मिल्क, कि जो दूध का जो खट्टापन है वो किस चीज को दिखाता है, किसके कारण होता है, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही जवाब देते जाओ यार, वेल डन साथियों, बड़े अच्छे गजब के बच्चे हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड के कारण, और ये भी पूछ ले भी दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है तो भी आपको लैक्टिक एसिड चूज करना है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। बी स्टिंग कंटेंस, कि बी स्टिंग मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है भाई, एसिड होता है या सॉल्ट होता है या बेस होता है या कोरोजिव लिक्विड होता है, क्या होता है, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि एक एसिडिक लिक्विड होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। अब लाइव चैट में आंसर दे दो कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फटाफट से बता दो भाई। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40।
एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि जो एटॉमिक बॉम्ब है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। फटाफट से दे दो भी आंसर। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फीजन। और जो हाइड्रोजन बम है बच्चों वो काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन के कंसेप्ट पे। उसके बाद आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया है वो क्या होती है बच्चों, फटोफट से जवाब दे दो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते जाइए, ठीक है। आपका जो VLD एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने की जिद है वो ज़रूर पूरी होगी, बस जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाइए, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन ए, रिएक्शन विच हीट इज रिलीज, कि जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में हीट उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 42, एलिमेंट्स दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। तो फटाफट से बता दो मैं। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही जवाब देते जाओ। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, पुअर कंडक्टर हैं वो होती है नॉन मेटल अधातुएं, और गुड कंडक्टर होती हैं मेटल्स यानी धातुएं, और बेस्ट कंडक्टर कौन सी हैं, सिल्वर। ओके, अब आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई, फटाफट से चूज करके और आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बस फटाफट से आंसर दे दो बच्चों इस क्वेश्चन का, बड़े अच्छे बच्चे हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना, एंड होते ही शेयर कर देना फटाफट से, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों हमें पता है कॉपर को हम लिखते हैं CU से, गोल्ड को लिखते हैं AU से, CU का मतलब कपरम, AU का मतलब ओरम, ठीक है। प्लेटिनम, प्लेटिनम को PT से लिखते हैं, तो मरकरी को किससे लिखते हैं, HG से। तो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन सी। तो इसने पूछा क्या है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड रखी जाने वाली एकमात्र नॉन मेटल कौन सी है, ठीक है, बाकी की सारी नॉन मेटल्स इधर होती हैं, इधर वाली एकमात्र यहाँ ऊपर ही ऊपर पाई जाती है कौन सी है, फटाफट से बता दो। सारे हिंट दे दिए, अब तो आंसर आ जाना चाहिए यार। शाबाश, वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा जाता है, टॉप मोस्ट, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, एक है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जीरो। प्रोटॉन कितना है, एक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, जीरो है, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज सॉफ्ट एज वैक्स एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, कि कौन सी मेटल ऐसी है जो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जिनको चाकू के साथ काटा जा सकता है। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों। गजब गजब के क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब जरूर दिया करो यार। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। किसी मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है वो है सोडियम, ठीक है। दोनों ऑप्शन इसके सही रहेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इन द फॉलोइंग रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक, एसिड प्लस बेस हमें क्या देगा, फटाफट से आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, गजब के बच्चे हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो यार, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, दे दो आंसर फटाफट से। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सॉल्ट। क्या रहेगा, ऑप्शन डी सॉल्ट। जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा हमेशा सॉल्ट और वाटर, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट आइए भी क्वेश्चन नंबर 47 पे,
द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के जो लीस्ट रिएक्टिव हैं यानी कम अभिक्रिया करने वाले जो एलिमेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, फटाफट से बता दो भाई। बिल्कुल गजब गजब के क्वेश्चन है यार, अगर आप इन चीज क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं, आइडियल गैसेस भी बोल देते हैं, पीरियोडिक टेबल का जो 18 ग्रुप है उसमें ये लाई करती हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या रहने वाला है बच्चों, फटाफट से बता दो भाई, बिल्कुल अच्छे से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्विक लाइम का वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 पे। द बायोगैस यूज फॉर कुकिंग इज ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो बायोगैस हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वो किसका मिक्सचर होती है, फटाफट से राइट आंसर दे दो। शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट से मीथेन का सूत्र लिख दो अभी एक बार लाइव चैट में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई, फटाफट से जवाब दे दो केल्विन में। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दे दो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, 273.16 केल्विन, ये मेल्टिंग पॉइंट अभी आइस का बर्फ के पिघलने का। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइव चैट में नहीं लिखना बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करके शेयर कर देना, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को VLDA कैंपस की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है भाई, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हमारे जो एडमिन्स हैं उनको SMS कर देना, वो आपकी सारी टर्म्स और कंडीशंस बता देंगे और फिर आपको हमारे जो स्टडी मटेरियल का जो ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। और बच्चों आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, लास्ट तक देखा है। किसी तरह का कोई डाउट हो तो उसको नोट डाउन कर लेना। जिन बच्चों ने वीडियो बीच में से ज्वाइन करी है वो स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेना भाई, दोबारा देख लेना इस क्लास को, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपके एडमिशन में अहम भूमिका निभाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।